जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप लोगों ने आरसी का काम किया ऑनलाइन, चाहे ट्रांसफर का किया हो या फिर चेंज ऑफ एड्रेस का किया हो या फिर एचपी रिमूव का किया हो या फिर एनओसी का किया हो, लेकिन वो केवाईसी की वजह से रुक गया, पेंडिंग शो हो रहा है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि पेंडिंग किस वजह से दिखाया जाता है और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। चलो फिर वक्त को ना बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने आरसी का कोई भी काम किया हो लेकिन उसमें आपने एक चीज चेक किया कि जो फॉर्म आपने अपलोड किए थे उसपे प्रॉपर साइन थे, कभी भी खाली फॉर्म अपलोड करने से आरसी अप्रूवल नहीं होती है, तो आपको इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है कि फॉर्म पे सिग्नेचर करने के बाद ही उस फॉर्म को अपलोड करो। जो डॉक्यूमेंट जिसमें बोला उसी में आपको अपलोड करना। फिर भी अगर आपको इश्यू आ रहा है तो दो तरह के इश्यू आते हैं, एक तो केवाईसी का आता है और एक आता है डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव्ड, एक आता है रॉन्ग केवाईसी। अगर रॉन्ग केवाईसी होती है आपको सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ना तो फाइल को डिलीट करना पड़ता है ना फाइल को कैंसिल करना पड़ता है, पुरानी फाइल पे केवाईसी आप कर सकते हो विदाउट कैंसिलेशन की। कैसे करना पड़ेगा, जैसे वो ऑब्जेक्शन लगाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में जाना है और आपको ई केवाईसी दोबारा से करनी है। ई केवाईसी करने के बाद में दोनों पार्टी के ओटीपी लेने के बाद उसे सबमिट कर देना और उसके बाद आप एक हफ्ते बाद देखिए, अगर तब भी प्रॉब्लम आ रही है सीधा आरटीओ विजिट करें, उनसे बात करें, सर ये आप क्यों अप्रूवल नहीं करें, रीजन क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां गलती थी। वैसे तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी दोनों के ओटीपी ले जाते हैं, अगर दोनों पे भी आधार कार्ड नहीं है तो उस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है विदाउट आधार वाली, उसे आप चेक कर सकते हो, उसके जरिए आप अपना काम कर सकते हो। अब ना तो कोई ऑब्जेक्शन लगा रखा है लेकिन तब भी हमारी फाइल पेंडिंग है, तो उस केस में आपको आरटीओ में विजिट करना पड़ेगा और जो रिसिप्ट है वो लेके जाना होगा और आपको दिखाना होगा, तब वो फाइल को चेक करेंगे, वो कह देंगे ठीक है जी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फाइल आपकी मंगाएंगे, चेक करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहेगा जी एक हफ्ते मार्ची बन के घर पे आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्शन रेज होता है पूछने का पूरा राइट है आपको कि मेरी फाइल में क्या ऑब्जेक्शन है, और जो काम आपने किया था डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनका आप एक पीडीएफ फाइल अपने पास सेफ रखना, क्योंकि कई बार केवाईसी करनी पड़ती है तो दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं तो आपको असुविधा नहीं होगी, तो इजिली काम हो जाएगा जिसकी वजह से आपको आरटीओ के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और दोस्त अगर खुद नहीं आता तो आप मेरी भी सहायता ले सकते हो, मेरे को भी कमेंट कर सकते हो, और आपकी आरसी अभी तक अप्रूवल नहीं हुई क्या इश्यू आ रहा है, आप उसमें भी मेरी मदद ले सकते हो, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। जितने भी आरटीओ हमारे दिल्ली के अंदर उनके एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको इजी हो जाए उसको फाइंड आउट करने में। ये जो भी काम किया जा रहा आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है, ताकि जो भी सिटीजन हैं हमारे उनको परेशानी कम से कम हो और पीसफुली वो अपना काम कर सके। अगर आप कोई भी काम करते हो आरटीओ से रिलेटेड, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हो, मैं आपको राय दे दूंगा जिसकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी और आपका इजिली आरसी बन के घर पे आ जाएगी। समझदारी इसी में होती है, टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, अगर हम किसी की राय ले ले तो काम आसान हो जाता है। जय हिंद जय भारत।